कोयंबटूर 10 रुपए के सिक्के बाजार में नहीं चलने के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में एक उम्मीदवार ने अनूठा कदम उठाया। सुलूर विधानसभा उपचुनाव के लिए एक निर्दलीय प्रत्याशी ने 10-10 रुपए के 1000 सिक्के जमानत राशि के तौर पर जमा कराए। दी प्रभाकरण नाम के एक प्रत्याशी ने पहले क्षेत्र के लोगों से 1-1 रुपए चंदा के तौर पर एकत्रित किया और फिर दुकानदारों से उसे 10-10 के सिक्के में बदला। प्रत्याशी का कहना है कि इससे उन्होंने उन लोगों को संदेश देने की कोशिश की है जो 10 रुपए का सिक्का लेने से कतराते हैं। इसका मकसद लोगों को यह बताना है कि बाकी सिक्कों की तरह 10 रुपए के सभी सिक्के भी वैध हैं और ये चलन में हैं।